चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने मनासा के पगारा खुर्द में अवैध तरीके से की जा रही अफीम की खेती पकड़ी है। 8 प्लाटों में अफीम की खेती की जा रही थी और एक प्लाट में गांजा बो रखा था। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब नष्ट कर दिया है। इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नीमच के मनासा में अवैध अफीम खेती का बड़ा मामला सामने आया है। भदना पंचायत के ग्राम पावड़ा खुर्द गाँव में 8 खेतों में अवैध अफीम बोई हुई थी और एक खेत में गांजे की फसल थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने जब अवैध अफीम से पटे खेत देखे तो उनके होश उड़ गए। गांव पगारा खुर्द में तस्कर नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अफीम की अवैध खेती कर रहे थे। अफीम बाहर निकलती उससे पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने गाँव में दबिश दी और एक साथ कार्रवाई करते हुए 8 प्लाटों में उगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कराया, साथ ही गांजे की फसल को भी नष्ट कराया। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध अफीम बोने का यह पहला मामला है। अफीम के साथ गांजे की फसल बोने का पहला मामला सामने आया है। केंद्रीय नारकोटिक्स उपायुक्त प्रमोद सिंह ने इस संबंध में बताया कि यह कार्यवाही उपखंड जिला अफीम अधिकारी अमर सिंह कनौजिया के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान पटवारियों से बुलवाकर जमीन की हकीकत पता लगाई गई तो जमीन वन विभाग की निकली, जिस पर अवैध अफीम और गांजा बोया गया था। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नारकोटिक्स जल्द ही प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की